इंद्रांडा स्टैंड से फूटा जोड़ा तक हम रोड चाहते हैं। कम से कम भी डेली की जो है ना, ज्यादा तो नहीं कर, कम से कम 2,500 आदमी इधर से गुजरते हैं। उधर से हमारा जो है कोटपुतली, यहाँ से इंद्रांडा स्टैंड से वहां चलते हैं, 30 किलोमीटर के करीब पड़ता है। इधर से कोटपुतली 10-11 किलोमीटर पड़ता है। 5 ग्राम पंचायतों को जोड़ता है और वहाँ पे हमारा जो मंदिर है फूटा जोड़ा, वो आज अलवर जिले में नहीं अपितु राजस्थान में उसका नाम है। वहां से दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, नीमराणा से लोग, श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने जाते हैं। आपके माध्यम से ये प्रशासन से आह्वान करते हैं कि समय रहते हुए यह मांग पूरी करें कि जन आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ लोकल प्रशासन होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, बारिश के मौसम में तो इसमें पैदल चलना भी दोबारा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिंटू कुमार और मैं इस समय बानसुर विधानसभा की ग्राम पंचायत खोरी में इस समय मौजूद हूँ। जी हाँ, 21वीं सदी में हम इस समय जी रहे हैं और सरकारें काफी दावे यहाँ करती हैं, लेकिन वो दावे कितने सही हैं और कितने खोखले हैं ये आज हम दिखाते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधा अभी तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण इस समय आप ग्राम पंचायत खोरी में देख सकते हैं। कितनी संख्या में ये ग्रामीण है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो समस्या है वो काफी बड़ी समस्या है। इंद्रांडा बस स्टैंड से फूटा जोड़ा, जो कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग है, और ये अभी तक देश जब आजाद हुआ था तब तक अभी तक ये सड़क मार्ग है वो बना नहीं है और कच्चा है ये। और अगर इनकी बात करें तो जो फूटा जोड़ा है वहाँ पर समर्थन मूल्य की दुकान भी है, वहाँ पर ये जो काश्तकार है अपनी फसल वगैरह है, अनाज वगैरह बेचने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन गाड़ी इनकी वहाँ कैसे पहुँचती है ये इन लोगों से समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रामजीलाल यादव, पूर्व सरपंच रामजीलाल यादव। सरपंच साहब, आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि यहाँ से हमको आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, और हमारे समर्थन मूल्य की दुकान फूटा जोड़ा के ऊपर है, और इंद्रांडा स्टैंड से फूटा जोड़ा तक हम रोड चाहते हैं। हमारे को काफी प्रयास किए हैं हमने, परंतु ये हमारा रोड बना नहीं है, और ये रोड बन जाए तो हमको काफी सुविधा मिल जाएगी। सरपंच साहब, मैं जानना चाहूंगा कि जो इंद्रांडा बस स्टैंड से और फूटा जोड़ा जो सड़क मार्ग है लगभग 6 से 7 किलोमीटर बता रहे हैं आप, कितनी ग्राम पंचायतों के जोड़ता है? पांच। कौन सी ग्राम पंचायत? रसनाड़ी, बासदयाल, नयाबास, खोरी, खेड़ा, शामपुरा, इंद्रांडा, इनको सबको जोड़ती है। आप देख सकते हैं लगभग आधा दर्जन ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनको ये सड़क मार्ग जोड़ता है, लेकिन आज भी ये लोग कच्चे रास्ते से, यानी कि काफी रेत है, लगभग 1-1.5 फुट रेत है जिसमें वाहन चलना बड़ा मुश्किल है। और भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी 80 साल। बाबा आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, सरकारें काफी दावे करती हैं कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही है, हर जगह हमने सड़क बना दिए, 10 साल कैबिनेट मंत्री भी रह गई, अभी क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह जी भी हैं, लगभग 10 महीने उनका कार्यकाल हो गया। किन किन को आपने इस समस्या के बारे में बताया? इस बारे में हमने जो है मैडम उनको बताया, शकुंतला जी को काफी बताया, इनसे पहले भी नेता है उनको भी हमने कई बार रिक्वेस्ट की और अभी भी रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे आप बता रहे कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत को भी हमने बताया है, क्या समस्या बताया उन्होंने, क्यों नहीं बन पा रहा ये रोड 6 किलोमीटर का? उनको ये भी बताया गया था, अब फूटा जोड़ा हमारा जो है ना जमींदारों का अनाज बिक्री केंद्र है, समर्थन मूल्य का, हम वहां ले जाकर के सब सामान बेचते हैं, गेहूं, सरसों, चने सब, लेकिन हमको ले जाने में बहुत परेशानी आ रही है, और रस्ते में एक आदमी 2 किलो वजन लेके नहीं चल सकता, इतना वजन खराब हुआ है। यहाँ से बासणा से ये सड़क चलती है और फूटा जोड़ा पहुंचती है, जिसमें 5 पंचायतें इसके ऊपर लगती हैं, और इस मूल्य की दुकान जो है इसमें भी 5 पंचायतों का माल जाता है। यहाँ हमको बहुत चारों तरफ से किल्लत हो रही है। यहाँ स्कूलें हैं, 2-3 स्कूल हैं आगे, जहाँ जितनी लेडीज टीचर हैं ये भी परेशान हो जाती हैं, गिर गिर करके बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। कितनी ग्राम पंचायत है, कितनी गांव ढाणियों के लोग इधर से गुजरते हैं? इधर से गुजरते हैं। कितने लोग ढाणियों के? कम से कम भी डेली की जो है ना, ज्यादा तो नहीं कर, कम से कम 2,500 आदमी इधर से गुजरते हैं, मेन पर डे जाते हैं, सर्विस मैन भी जाते हैं, दुकानदार भी जाते हैं, और कोटपुतली भी इधर से शॉर्ट पड़ता है। उधर से हमारा जो है कोटपुतली, यहाँ से इंद्रांडा स्टैंड से वहां चलते हैं, 30 किलोमीटर के करीब पड़ता है। इधर से कोटपुतली 10-11 किलोमीटर पड़ता है, तो कोट लास्ट ये बहुत शॉर्ट रास्ता है। नेता लोग क्या कह रहे हैं इस रास्ते के बारे में? हाँ, शकुंतला जी ने पहले हमसे आश्वासन दिया था, अगर मैं 2 महीने के अंदर इसका काम चालू करवा दूंगी। काम करवाने के बाद में उन्होंने हमारा इसका एस्टिमेट भी बनवा दिया था। एस्टिमेट बनवाने के बाद में जब उन्होंने जो पास करवाया रोडों का पैसा, हमारा नहीं हुआ और रोडों का हो गया। तो आप देख सकते हैं और रोडों का पैसा है वो पास हो गया है, लेकिन इंद्रांडा बस स्टैंड से और फूटा जोड़ा जो रास्ता है इसका पैसा पास नहीं हुआ है। हाँ। उम्मीदें हैं
क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह जी से क्या उम्मीदें करते हैं? उम्मीद यही करते हैं कि जो है हमारा ये रास्ता करवाएं, जल्द से जल्द करवाएं। बहुत मेहरबानी। मिले इस रास्ते को लेकर आप कभी? हाँ मिले हैं, उन्होंने कहा है, एक दो दफा आश्वासन दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास जारी है। तो प्रयास लगातार जारी है। युवाओं की भी कमेंट हम ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित खंडेलवाल है। हमारी कोई मांग नहीं है, बस एक छोटी सी मांग है। हमारे फूटा जोड़ा से इंद्रांडा स्टैंड पे रोड जोड़ता है, जिसको रिंग रोड का नाम भी दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये 5 ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। और वहाँ पे हमारा जो मंदिर है फूटा जोड़ा को, वो आज अलवर जिले में नहीं अपितु राजस्थान में उसका नाम है। वहाँ से दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, नीमराणा से लोग श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करने जाते हैं। हमारे एक यहाँ एक मंदिर और है जिसका नाम संत बेनामी आश्रम के नाम से है, जिसका भी बहुत ही यहाँ प्रचार प्रसार है पूरे राजस्थान में। तो लोग बहुत परेशान होते हैं, इधर से जाते हैं, उनको कोई साधन के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, उनकी गाड़ियाँ नीची होती हैं, तो यहाँ खड्डे हैं, गाड़ियाँ नीचे से अड़ जाती हैं, उनको नुकसान होते हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं स्थानीय विधायक जी से कि भाई आप जल्द से जल्द इसको काम को पूरा करवाएं, और हमारी कोई उनसे ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ के जो लोग हैं देख सकते हैं काफी संख्या में लोग इस समय मौजूद है। वास्तव में ये काफी बड़ी समस्या इन लोगों के लिए है। 7 किलोमीटर का ये रोड है जो इंद्रांडा बस स्टैंड से और फूटा जोड़ा जोड़ता है, जिले को भी ये जोड़ता है। कभी कोई मरीज अगर इनका बीमार हो जाए या कोई एक्सीडेंटली कोई घटना घटित हो जाए तो ये अगर कोटपुतली जाना हो तो इस सड़क मार्ग से जाते हैं, क्योंकि काफी शॉर्ट ये रास्ता पड़ता है। राकेश जी आप भी यहाँ इन लोगों के पास यहाँ पहुंचे, लोगों की लगातार समस्या क्षेत्र में आप सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर 6-7 किलोमीटर का जो है? देखो ये अभी सब ग्रामवासियों ने बताया आपको, 7-8 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य सड़क है और ये बहुत पुरानी सड़क है। और फिर भी इन लोगों सबकी मांग है, 36 कौम के लोगों की, सर्व समाज के लोगों की मांग है, पर हमारे यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लापरवाही वजह से ये आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मजूरिन ग्रामवासियों ने आज ये सांकेतिक रूप से प्रसन्न किया, आप लोगों को भी इन्वाइट किया है, और भविष्य में ये मांग पूरी नहीं होती बड़ा जन आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का लोकल प्रशासन होगा। आप सोच सकते हो देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गई, उसके बाद में ये हालत है। समर्थन मूल्य की दुकान है, जिला हेडक्वार्टर कोटपुतली बढ़ गया, यहाँ हॉस्पिटल वहाँ है, एक तरफ 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, टूल लगता है, किसान आदमी परेशान है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको घूम घूम के जाना पड़ता है, वहाँ कोटपुतली तक उधर तसनाड़ी मोड़ तक वहाँ जाना पड़ता है, इधर सीधा रास्ता है। और आप सोच सकते हो देश में सभी जगह हम ये गाड़ी लेता आदमी उस टाइम टैक्स भरता है, सबका अधिकार है। एक तरफ आप शहरों में रोड बन रहे, ग्रामवासियों की हालत है, हम ये चाहते हैं कि सभी के समानता के अनुसार इनके भी रोड सड़कें मांगे हुए, हमारी ये मांग है। और आपके माध्यम से ये प्रशासन से आह्वान करते हैं कि समय रहते हुए हम मांग पूरी करें, जन आंदोलन होगा उसका जिम्मेदार यहाँ लोकल प्रशासन होगा। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि आज आदमी टैक्स भरता है तो अच्छी सुविधाएं उनको चाहिए, और वो सुविधा शायद खोरी के जो लोग हैं यहाँ के इंद्रांडा बस स्टैंड के जो लोग हैं इनको नहीं मिल पा रही है। अगर 6-7 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग अगर बन जाए तो काफी किलोमीटर का जो इनका जो दूरी पड़ती है वो कम हो जाए और एक शॉर्ट रास्ता इनको मिल जाए। क्या नाम है सर आपका? चंद यादव। सर जिस तरीके से जो 7 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है उसको लेकर आज काफी ग्रामीण है यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की। बारिश के मौसम में तो इसमें पैदल चलना भी दोबारा हो जाता है, और ये जिले हेडक्वार्टर को जोड़ती है, 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा नारायणपुर से उससे इंद्रांडा स्टैंड से फूटा जोड़ा तक बन जाए तो डायरेक्ट जिला हेडक्वार्टर से ज्वाइंट हो जाते हैं। वैसे अगर ये शॉर्ट रास्ता है, अगर दूरी अगर बात करें, अगर और दूर किधर से जाते हो फिर, अगर इधर से नहीं जाए तो इधर से किलोमीटर का वो चक्कर लगता है, कोटपुतली से बांसुर होते हुए फिर जाते हैं 30 किलोमीटर, इधर से 13 किलोमीटर पड़ता है सीधा। अच्छा यहाँ से फुट इंद्रांडा से और ये कोटपुतली कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर ओनली, केवल 13 किलोमीटर ये, और उधर से 30 किलोमीटर, उधर से 30 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं 17 किलोमीटर की जो चक्कर है वो ज्यादा लगता है, और अगर आप इंद्रांडा बस स्टैंड से कोटपुतली जाएंगे तो केवल मात्र 13 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा, और 17 किलोमीटर की दूरी बानसूर से होते हुए अगर आप जाएंगे तो 17 किलोमीटर अधिक इनको चक्कर लगाना पड़ता है। तो बड़ी ही दुखद बात है कि इस पर क्षेत्रीय विधायकों और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की समस्या है उसका जल्द समाधान होना चाहिए। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।